हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्या है आज के द हिंदू की खास खबरें, आइए देखते हैं। फ्रंट पेज पे सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स राव गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भूतपूर्व सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को अपने आदेश की अवमानना के लिए दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ए के शर्मा, जो कि बिहार शेल्टर होम के मामलों की जांच कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में एक बेंच ने ये कहा कि वे ये समझने में असमर्थ है कि मिस्टर राव ने मिस्टर शर्मा का 17 जनवरी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ के तौर पे तबादला क्यों किया, और ये करने के बाद उन्होंने अपना ये निर्णय कोर्ट को बताना भी जरूरी नहीं समझा, इसके बावजूद कि उन्हें ये सलाह दी गई थी कि वो तुरंत ही एफिडेविट सबमिट करें। नेक्स्ट इज फोकस ऑन एजुकेशन इन बिहार बजट। मंगलवार को बिहार असेंबली में 2,501 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस राजस्व अधिशेष बजट पेश किया गया, जिसका मेन फोकस था एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर्स पे। साल 2019-20 के लिए ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है 21,516.99 करोड़ रुपए का। इसमें से 34,798 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं, 15,699 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं और 8,894.32 करोड़ रुपए ऊर्जा के क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं। अगली खबर हैवी रश एट साबरीमाला श्राइन ओपन्स। मंगलवार को साबरीमाला के लॉर्ड अयप्पा मंदिर को मलयालम महीने कुंभम में 5 दिन के मासिक अनुष्ठान के लिए खोला गया। दक्षिण भारत के कई भागों से श्रद्धालुओं की भीड़ इस शनि धर्म के लिए उमड़ पड़ी। मंदिर का पवित्र स्थान 4:45 पर खोला गया। बुधवार की सुबह अनुष्ठान की शुरुआत होगी अष्ट द्रव्य गणपति होमोम से और मंदिर 17 फरवरी को अथर्व पूजा के बाद फिर से बंद कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं पेज 7 की तरफ, जहां हमारी अगली खबर है। इंडिया इंक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 72,000 असॉल्ट राइफल्स। अपनी पैदल सेना को बेसिक राइफल से लैस कराने के कई असफल प्रयासों के बाद आर्मी ने मंगलवार को यूएस की एक फर्म सिक स्योर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत परिचालन क्षेत्र में तैनात फ्रंट लाइन सोल्जर्स को तकरीबन 72,400 SIG-716 असॉल्ट राइफल दिया जाना है। रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि मंगलवार को सिक सोर के साथ 72,400 असॉल्ट राइफल का एक कॉन्ट्रैक्ट फास्ट ट्रैक खरीद के थ्रू साइन किया गया है और ये पूरा लॉट 12 महीने में डिलीवर किया जाएगा। इन 72,400 राइफल्स में से 67,400 आर्मी के लिए होंगी, 2,000 नेवी के लिए और 4,000 एयरफोर्स के लिए। अगली खबर है पेज 10 पे, IAF क्लैरिफाइज ऑन गारंटीज। ऐसे खुलासों के बाद कि सरकार ने फ्रांस से रफेल फाइटर जेट डील के लिए गारंटीज और भ्रष्टाचार विरोधी धाराएं माफ कर दी है। एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स अधिकारी ने ये कहा है कि ऐसे कोई भी समझौते रशिया के साथ डील की थी उसमें भी नहीं थे और इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स के खरीद प्रक्रिया में भी लचीलापन दिया गया था। एयर मार्शल VR चौधरी, जो कि एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि S-400 डील के लिए भी रशियन से किसी भी तरह की सोवरेन गारंटी या अखंडता संधि नहीं की गई थी। नेक्स्ट इज
इंडिया मालदीव्स रिवर्स वीजा स्टैंड ऑफ। मंगलवार को भारत और मालदीव्स ने इन दो देशों के बीच यात्रा के लिए वीजा की सुविधा के लिए समझौते एक्सचेंज किए। इस कदम से एक द्विपक्षीय गतिरोध, एक बायलैटरल स्टैंड ऑफ थोड़ा सरल हो जाएगा, जिसकी वजह से पिछले साल कई भारतीयों को जो वहां मालदीव्स में नौकरी ढूंढने गए थे उन्हें वर्क परमिट मना कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये एग्रीमेंट, ये समझौता एक बहुत ही लिबरल वीजा व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत मालदीव्स के नागरिक भारत में टूरिज्म, बिजनेस, शिक्षा या स्वास्थ्य के उद्देश्य से आ सकते हैं। ये एग्रीमेंट भारतीयों के लिए भी मालदीव्स की यात्रा सरल कर देता है अगर वे वहां बिजनेस के उद्देश्य से जाना चाहते हैं। ये एग्रीमेंट पिछले साल दिसंबर में साइन किया गया था जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट इबू सोली भारत आए थे। नेक्स्ट इज वोटर्स वांट मोर विमेन इन लोकसभा से सर्वे। शक्ति एक सिटीजंस कलेक्टिव द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 82% से भी ज्यादा मतदाता ये चाहते हैं कि अगली लोकसभा में और ज्यादा औरतें आए। ये सर्वेक्षण एक नेता ऐप के जरिए 24 राज्यों में 10 लाख मतदाताओं के बीच किया गया। इस एप्लीकेशन के तकरीबन 2 करोड़ सत्यापित उपयोगकर्ता है और ये ऐप पूरी के पूरी 543 संसदीय क्षेत्रों को कवर करती है। इस ऐप में उपयोगकर्ताओं को एक आसान सवाल पूछा गया था कि क्या आप चाहते हैं कि लोकसभा 2019 में और ज्यादा महिलाएं आएं? इसकी प्रतिक्रिया में 82.2% प्रतिभागियों ने हाँ में अपना मत दिया है। आते हैं बिजनेस पेज पर। 95% ऑफ रजिस्टर्ड रियलिटी फर्म्स हैव नो पैन। रियल एस्टेट सेक्टर पर आयकर विभाग द्वारा किए गए ऑडिट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये पाया है कि 95% कंपनीज जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत है, उनके पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मिली बिना पैन वाली कंपनियों से संबंधित जानकारी को उसने आयकर विभाग में भेज दिया है, लेकिन अभी तक उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला है। और ये भी देखा गया है कि 840 ऐसी कंपनीज जिनके पास पैन है, उसमें से 19% यानी 159 कंपनियां ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती है। इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है।